चलो चलो अभी खुशी का घर जाने का टाइम हो गया नटू काका, लाइए लाइए लाइए। ओके बाय 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 बाय, चलो घर जाएंगे। बाय बाय बाय, वापस लाना। हाँ अरे दया, अच्छा सुन, खुशी सो रही है। हैं? क्या हो गया है तुझे? क्या? खुशी के आने के बाद तो तू मुझे भूल ही गई है। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे सब याद है। आप टप्पू के पापा हैं, बाबूजी के आगे अंकित के बेटे हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, नीटू काका और बागा भाई के सेठ जी हैं। ये जोक्सर, तू जानती है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? पहले तो कैसे मेरे साथ बैठ के प्यार भरी बातें करती थी, दुकान में दो बार फोन करती थी, अब तो तुझे मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। मुझे आपके लिए वक्त नहीं मिलता। जरा याद कीजिए, सुबह उठते ही खुशी के साथ कौन खेलने लगता है, और चार बार नहाने जाओ कहने के बाद मुश्किल से नहाने कौन जाता है, और आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका फैन नहीं करती। क्यों फैन नहीं करती, जरा याद कीजिए। ओके, आप मुझे मौका ही नहीं देते। दिन में 3 बार फोन करके आप ही मुझे पूछते हैं खुशी क्या कर रही है, खुशी सो गई, खुशी जाग गई। तो कुल मिला के खुशी के आने की खुशी में आप मुझे भूल गए हैं। अहमदाबादी बहुत होशियार है तू। होशियार की बात नहीं है, पर ये सच है कि नहीं? अरे सच बात तो ये है कि खुशी को देखने के बाद नटू काका, बागा, दुकान, नफा, नुकसान कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ मैं। खुशी है ही इतनी प्यारी, उसकी एक मुस्कान दुनिया के बाकी सारे काम भुला देती है। खुशी की तो हर बात निराली है, मैं तो माता जी का रोज आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे खुशी जैसी बेटी दी। कितने दिन हो गए टप्पू के पापा, खुशी के मम्मी पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला है तो? तुम्हें मेरे मन के अंदर कोई कैमरा फिट कर दिया है क्या? क्या? तुझे कैसे पता चल जाता है मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं भी अभी यही सोच रहा था कि इतने दिन हो गए खुशी के माँ बाप का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी हमें खुशी को गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू। फिर तो टप्पू के पापा हमेशा हमेशा के लिए हमारी बेटी बन जाएगी, और हर रात हमारे घर में मीठी लोरियां गूंजेगी, और सुबह खुशी की किलकिलाहट से भर जाएगी। नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। थैंक यू जीठा जी, पर मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहूंगी। क्यों, क्या किया मैंने? अरे आपको तो गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में खुशी जैसी बेटी हो उनका हर दिन तो अच्छा ही जाएगा ना। एकदम परफेक्ट बात की आपने बबीता जी। कैसी है खुशी? खुश खुशहाल। शी इज वेरी क्यूट। जी करता है कि पूरा दिन बस उसी के साथ खेलते रहे। मैं बस अभी उसके साथ खेलने ही जा रहा हूँ, आइए साथ में खेलेंगे। नहीं इट्स ओके, अभी आप खेलिए, मैं उसके साथ बाद में खेलूंगी। जैसी आपकी मर्जी। ओके ओके, जाइए खेलिए। दादाजी के साथ खेलेगी। अभी मम्मी को थोड़ा काम है ना, तो बाद में आएगी।
अरे वाह, खुशी तैयार हो गई। मुझे दीजिए ना बाबूजी। रुक रुक, दो मिनट रुक, मुझे तो खेल लेने दे मेरी बेटी के साथ। खुशी दादाजी, मुझे दीजिए ना दो मिनट। अरे 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 टप्पू टप्पू, तू बीच में कहाँ घुस रहा है? अरे मेरा नंबर है टप्पू। पापा पापा, दो मिनट। अरे भाई मुझे देर हो रही है, मुझे दुकान जाना है टप्पू। पापा मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी गोकी के घर जाना है। बापूजी बापूजी कुछ कहिए ना इसे। अरे खेलने दे उसे, टप्पू तू तो छोटा है, खेलने दे उसे। अरे वाह खुशी जाग गई। एक मिनट, क्या काम है भाई? मैं जेठालाल, मैंने सोचा थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं, फिर प्रेस जाने के लिए निकलता हूँ। हाँ ठीक है, बराबर है, लेकिन इधर लाइन लगी है तो आप लाइन में। हाँ पहले मेरा नंबर है। क्या लाइन में खड़े रहो भाई जेठालाल, कमाल करते हो। खुशी तो तुम्हारे घर पर ही है ना, तुम कभी भी खुशी के साथ खेल सकते हो। पता है मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हो? सी विंग से। और भाई फिर मुझे प्रेस भी जाना है, अगर अभी मौका नहीं मिला तो सीधा शाम को मौका मिलेगा, और तब तक खुशी सो गई होगी। तो जो भी है भाई लाइन में खड़ा रहो। चाचा जी। हाँ जेठिया, डिब्बा ठीक कह रहा है, पहले उसे खेल लेने दे। तो बापू जी अभी टप्पू के वक्त आपने मुझे क्या कहा कि टप्पू तुझसे छोटा है तो टप्पू को खेलने दे, तो अभी पोपटलाल से मैं छोटा हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए ना। जेठालाल तुम मुझसे छोटे कैसे हुए, तुम तो शादी शुदा हो। अरे तो तुम्हारी शादी 80 साल तक नहीं होगी तो 80 साल तक तुम छोटा ही रहोगे। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 चाहिए, आप पोपटलाल को चाय नाश्ता कराइए, मेरी भूख तो खुशी के साथ खेल के ही मिट जाएगी। मेरा भी भर जाएगा, लाइए भाई मेहता साहब, मुझे दीजिए जरा। अरे क्या दीजिए भाई, तुम बीच में घुस रहे हो। समझो बात को, दो मिनट के लिए। अरे क्या दो मिनट भाई, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो। बहुत अरे 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 आ गई बाजी, मामा के पास आ गई। मैं गोकी के घर जा रहा हूँ खेलने। बाय 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 खुशी, बाय दादाजी। आ गई मामा के पास खुशी। बस चलो खेल लिया, लाओ अभी इधर लाओ। अरे भाई जेठा शांति रख, खुशी डर जाएगी। कोलाहल बहुत हो रहा है। अच्छा मैं तुझ डिब्बे, मुझे एक बात बताओ, ये खुशी के माँ बाप का कुछ पता चला? पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया? नहीं चाचा जी, मैंने कल सामने से इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके पूछा था, लेकिन खुशी के गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट अभी तक किसी ने नहीं लिखवाई। बहुत दिन हो गए, खुशी के मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चला है तो। मेहता साहब अभी हमने काफी इंतजार कर लिया, लेकिन अभी तक खुशी के माँ बाप का कुछ पता नहीं चला, तो अभी हमें खुशी को गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। हाँ सोचना तो चाहिए जेठालाल, लेकिन गोद लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो मैं काम करता हूँ ना, मेरे एक वकील दोस्त हैं, मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि गोद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और उनसे सारी कार्रवाई समझ लेता हूँ और फिर तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुशी के माँ बाप को ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए, आखिर खुशी किसी और की अमानत जी। और कितनी कोशिश करेंगे चाचा जी, हमसे जो बन पड़ता था हमने सब किया, मंदिर में कागज लगा चुके हैं, पुलिस से जानकारी निकाल चुके हैं, भाई इंतजार करना था वो भी हमने कर लिया, अब और क्या करें? सो तो है। नहीं नहीं वो बराबर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं बापू जी, अभी तो सिर्फ हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ये सब एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। जैसा तुम लोग ठीक समझो। लो भाई जेठालाल। मैं जाता हूँ प्रेस, शाम को आता हूँ अपनी भांजी के साथ खेलने के लिए। पोपटलाल रुको, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ जेठा, और वकील से जैसे ही कोई जानकारी मिलती है फिर तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, बाय खुशी, जय जय चाचा जी, बाय बाय खुशी, बाय बाय बाय, चलो 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 चलो, बाय 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 बाय। टप्पू के पापा लाइए खुशी, मुझे दीजिए, आपको दुकान जाना है ना। अरे दो मिनट खेलने तो दे भाई, अभी तो मेरे पास आई है। ठीक है, लेकिन दुकान जाते जाते अपने साथ खुशी को लेकर मत जाना, मुझे देकर जाना। हाँ हाँ भाई, हाँ तू जा जा भाई अपना काम। हाँ हाँ खुशी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पागल कर रखा है, अपने घर में तुझसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
अरे कौन आ गया अभी? फोन पे बात कर। हेलो सेठ जी, आप कहाँ हो? घर पे। खुशी के साथ खेल रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आज आप दुकान नहीं आने वाले? नहीं नहीं, दुकान आने वाला हूँ भाई। तो सेठ जी, खुशी को भी साथ ले आइए ना। क्यों? वो मैं और नटू काका खुशी के साथ खेलना चाहते हैं। अरे भाई, एक बार तो खुशी को मैं दुकान ले आया ना, अभी बार बार इतने छोटे बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकते भाई। अगर तुमको खुशी के साथ इतना ही खेलने का मन है तो दुकान के बाद यहाँ घर पे आके खेल लेना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ चलो, मैं आता हूँ दुकान थोड़ी देर में। जी। बागा काका थे, बागा काका, उनको भी खेलना है आपके साथ। कोई मुझे आपसे शांति से खेलने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई बैठ क्या रहा है, दुकान ले जा। हाँ हाँ, जाना है बापू जी, जाना है। ये लीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये लीजिए। आ जाओ अभी, आ जाओ मेरे पास। चलो दुकान जा रहा हूँ बापू जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और खुशी को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। आता हूँ बापू जी। बहू, मैं थोड़ी देर में सेल करके आता हूँ। बापू जी, वो खुशी को गोद लेने की बात से आप सहमत हैं ना? हाँ हाँ बहू, हमें खुशी को गोद ले लेना चाहिए, पर ये ख्याल भी आता है कि खुशी के प्यार में हम कहीं खुशी के माँ बाप के साथ अन्याय न कर बैठे। लेकिन बहू, जेठे ने अभी कहा ना कि अभी तो सिर्फ हमें जानकारी लेनी है, पर ये सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी हो जाने वाला है। तू चिंता मत कर। किसे ढूंढ रही हैं आप? जी वो मैं मतलब किसके घर जाना है? वो मेरी बेटी वो जी वो मैं वो मैं डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने आई थी। ओ अच्छा, ठीक। अरे अरे बहन जी, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक तो यहाँ है। पर वो मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। अरे बहन जी सुनिए, अरे अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सही बहन जी। आजकल सोसाइटी में अजीब अजीब लोग आने लगे, खुशी को संभाल के रखना होगा। अरे माँ, एकदम सही वक्त पर फोन किया है। अरे खेल रही है मेरे साथ। हाँ सुनाती हूँ, आवाज सुन। निका, नानी का फोन आया है अहमदाबाद से। हेलो बोलो। हाँ माँ, सुना ना आवाज? हाँ एकदम मिठड़ी है माँ, तुम मानोगे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में जादू कर दिया है। हाँ सब पर। हाँ अरे माँ बहुत बातें करती है मेरे साथ। हाँ क्या? हाँ माँ बातें करने तो बहुत अच्छा लगता है उसे। हाँ माँ, फिर मैं और सुंदर वीरा खुशी को पूरी बोर में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ मजा आएगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ
कहाँ गई होगी खुशी? भीड़ में आपने खुशी को देखा, मतलब किसी को खुशी को लेके जाते हुए देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वो मैंने उसको सोफे पे रखा था और जब मैं वापस आई तो खुशी नहीं थी। खुशी दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सोसाइटी में से कोई लेकर गया होगा उसको खेलने के लिए। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे मिलते हैं और पता लगाते हैं कि खुशी किसके पास है। हाँ हाँ। मैं इनको भी लेकर आती हूँ साथ में। हाँ? हाँ, 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 हाँ। नहीं, आज तक जान में बूट गई। मेरे भाई, पता नहीं खुशी कहाँ है। अरे आप टेंशन मत लीजिए दया भाभी, खुशी यहीं कहीं होगी। आप अंजलि भाई से पूछिए, हम लोग आदि भाई से पूछते। हाँ। चल इतनी घबराई हुई क्यों? अंजलि भाभी, खुशी आपके घर पर है। खुशी मेरे घर पे नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ, बात क्या है? खुशी मिल ही नहीं रही है। हाँ तो किसी के घर पे खेल रही होगी, खुशी के साथ कोई खेल रहा होगा। हाँ पर पता तो चले किसके घर पर खेल रही है। अरे आपके घर पर भी नहीं है और भीड़ बहन के घर पर भी नहीं है। क्या भाभी, खुशी हमारे घर पे भी नहीं है। तो कहाँ होगी खुशी? दया भाभी चिंता मत कीजिए, गोली अभी टप्पू के साथ गोगी के घर गया है। हो सकता है खुशी वहीं पर हो। उन्हीं से पूछते हैं ना। चप्पू बेबी, गोली बेबी, गोली। हाँ मम्मी, देखो खुशी ऊपर आप लोगों के साथ है ना? खुशी हमारे साथ नहीं मम्मी, खुशी तो अपने घर पर है ना। मतलब सुन रहे हैं भाभी, क्या टेंशन है सु? अरे हमारे घर से कोई खुशी को लेके चला गया है, पता नहीं कौन लेके चला गया। तेरी खुशी को कौन ले गया? कौन ले गया? नहीं भाभी आप चिंता मत कीजिए, खुशी मिल जाएगी। हाँ हाँ, आप सब नीचे आ जाइए प्लीज। हो सकता है बबीता जी की घर हो खुशी। हाँ हाँ, वहाँ जाके देखते हैं। हाँ हाँ, बबीता जी के यहाँ देखते हैं। चलो चलिए देखते हैं। बबीता, बबीता जी, बबीता जी, बबीता, बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, जल्दी बाहर आइए। बबीता, हाय, बोलिए। बबीता जी, खुशी आपके घर पर है? नहीं तो, इनफैक्ट मैं अभी आप ही के घर पे आ रही थी खुशी के साथ खेलने के लिए। बाबूजी जी, क्या हुआ वो? बाबूजी खुशी नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है मतलब? अरे किसी के घर पे खेल रही होगी। नहीं है चाचा जी, किसी के भी घर पे नहीं है हम में से। अरे लेकिन कोई ना कोई तो उसे लेकर गया होगा ना। हाँ। अपने आप थोड़ी जा सकती हो। सही बात है, अपने से कैसे जा सकती है वो? अरे वो कहीं डिब्बे के घर पे तो नहीं है? बात सुनिए, पोपटलाल घर पे नहीं है, वो काम पे गया है, मुझे जाते हुए मिला था। अच्छा बोलो। अरे माधवी सोनू कूट है? वो तो स्टेशनरी की दुकान पर ग्राफ बुक लेने गई है, लेकिन मुझे बोल कर गई है। भिंडी मास्टर टप्पू सेना मेरे साथ चलो, अब्दुल से पूछते हैं। मैं एक बार फिर से सोसाइटी में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो चलो। नहीं बेटा, मिली भाभी, भाभी यहाँ कहीं पे भी नहीं है। मंदिर में भी पंडित जी ने कहा कि उन्होंने खुशी को नहीं देखा। एक काम करते हैं, सोसाइटी में जाके फिर से एक बार देखते हैं। भाभी चलिए चलिए चलो। खुशी बेबी, खुशी और उसका खुशियों भरा चेहरा जितनी बार देखा जाए उतनी बार कम है। खुशी सभी की आंखों का तारा बन गई है, लेकिन खुशी को किसी की नजर लग गई है। खुशी गायब है, कहाँ है आखिर खुशी? हर व्यक्ति परेशान है कि खुशी आखिर गई कहाँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खुशी गई कहाँ है और खुशी किस तरह से मिलेगी। ये जानने के लिए आपको सिर्फ एक दिन का इंतजार करना होगा और देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं दया भाभी, सोसाइटी में तो खुशी कहीं भी नहीं है। भाभी मैं सबरे से दुकान पर ही हूँ, मैंने किसी को भी खुशी को लेके जाते हुए देखा नहीं। भीड़ भाई जरा आपका मोबाइल से टप्पू के पापा को फाइन लगा कर देंगे। हाँ हाँ हाँ।
हाँ बोल भेड़े। मैं बोल रही हूँ। भेड़े के फोन से तू क्या किया टप्पू ने? नहीं नहीं टप्पू ने कुछ नहीं किया है। आप अभी के अभी घर पर आ जाइए। क्यों क्या हुआ? वो खुशी मिल नहीं रही है। क्या मिल नहीं रही है मतलब? अरे हमने सब लोगों के घर पर देखा, खुशी कहीं पर भी नहीं है। अब जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है टप्पू के पापा। नहीं मैं आप ही आ रहा हूँ। सब मेरी ही गलती है, मुझे उसको मुझसे अलग करना ही नहीं चाहिए था, मेरे पास ही रखना चाहिए था। दया भाभी आप ऐसे मत सोचो प्लीज। अरे दया भाभी ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। सही बात है। समझ में नहीं आ रहा है कौन ले गया होगा खुशी को। जब से खुशी सोसाइटी में आई है तब से एक औरत बार बार सोसाइटी में आ जा रही है। आज सुबह भी मैंने उसे देखा था, मैंने उसे कुछ पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो बहाना बनाकर चली गई। कहीं खुशी को वो तो नहीं ले गई? मैंने भी उसको एक बार दूर से देखा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ। बाबा क्या हुआ? खुशी सोनू, खुशी आपका घूम घूमा घर वो दिखा। पता है मम्मी कितने परेशान हो गई थी पता है? सोनू खुशी को तुम लेके गई थी? हाँ। काय हो, बता के लेके जाना चाहिए था ना सोनू, अब कितने परेशान हो गए थे मालूम है तुम्हें? ना इतना काय सोनू। सही बात है सोनू बेटा, लेकिन मैं तो दया आंटी को बता कर ही खुशी को लेके गई थी। मुझे बताया था? कब बताया था बेटा? मैं ग्राफ बुक लेने जा रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं, तो मैं आपके घर पे आई थी। मैंने आपको पूछा कि मैं खुशी को मेरे साथ लेके जाऊं, आपने बेडरूम से हाँ बोला था। हाँ, फिर मैं और सुंदर हीरा खुशी को पूरी पूर में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ, मजा आएगा। दया आंटी मैं खुशी को क्लब हाउस लेके जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी सोनू खुशी को लेके जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और चलो लेके गई तो क्लब हाउस में क्यों लेके गई? यहाँ पे कंपाउंड में खेलती ना। बाबा कंपाउंड में बहुत धूप थी इसलिए मैं उसे ऊपर लेके गई। सॉरी। अरे सॉरी का सोनू, सॉरी का है? पता है तुम्हें हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे। माधवी मान लो हम लोग पुलिस पे कंप्लेंट करते, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को बोलते कि खुशी नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे उस चक्कर में आते और यहीं पे खुशी को देखते तो वो क्या बोलते? फिर से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे बुलाते ही क्यों? सोनू आज के बाद तुम खुशी को कहीं मत लेके जाना, समझी तुम? बाबा। अरे काय बाबा? नहीं 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 भीड़ भाई, देखिए आप सोनू को मत डांटिए, इसमें इसकी बिचारी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि नक्की गलत फहमी हो गई है। वो क्या है, मैं अंदर का बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और तभी सोनू आई होगी और मैं फोन पर हाँ हाँ कह रही थी तो सोनू को लगा होगा कि मैंने उसको हाँ कहा है, तो इसलिए सोनू खुशी को अपने साथ लेके चली गई। लेकिन दया भाभी। अरे भाई भिंडी मास्टर, बहू ने कहा ना गलत फहमी हो गई थी, सोनू पे गुस्सा मत कर। बस 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 रोक दो रोक दो। दया दया कहाँ? टप्पू के पापा खुशी मिल गई। खुशी मिल गई? कहाँ से मिली? जेठा भाई गलत फहमी हो गई थी, सोनू खुशी को लेके क्लब हाउस गई थी। तो तुझे पता नहीं था? पता होता तो आपको फोन क्यों करती? सोनू बेटा दया आंटी को बता के खुशी को ले जाना चाहिए ना। जेठा अंकल मैंने दया आंटी को बताया था और दया आंटी ने हाँ भी बोला था। दया क्या कह रही है सोनू? अरे मैंने हाँ बोला था लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने सोनू को हाँ बोला है। अरे तो सोनू को नहीं तो किसको हाँ बोला तूने? माँ को। माँ ही अहमदाबाद से? नहीं माँ तो अहमदाबाद है। तो माँ को क्यों हाँ बोला कि हाँ जाओ खुशी को ले जाओ? नहीं नहीं वो क्या है, मैं अंदर के बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और मैं माँ को हाँ हाँ कह रही थी, तभी सोनू आई और उसको लगा कि मैंने उसको हाँ बोला है, इसीलिए वो खुशी को लेकर चली गई। जेठा भाई मैं इसी गलत फहमी की बात कर रहा था। हाँ अभी समझ में आ गया आते भाई। अभी समझ गया ना, जा दुकान जा। बहू
जय जिनेंद्र बाबू जी, जय जिनेंद्र बहु, जय जिनेंद्र दया, जय जिनेंद्र। बहु खुशी को ले जा, ओ बाबू जी कह रहे खुशी को ऊपर ले जा। हाँ, चलो दिक्का। संभाल के। बाय बाय जेठालाल। सॉरी हाँ, सोनू की वजह से तुम्हें दुकान छोड़ के आना पड़ा, दया बाबू को भी तकलीफ हो गई। अरे उसमें सॉरी क्या बोल रहे बेड़े, इसमें सोनू की क्या गलती है, तो हाथी भाई ने बोला ना गलत फहमी हो गई भाई। चल चल मैं निकलता हूँ, दुकान ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ शाम को अब्दू शॉप पे मिलते हैं। अच्छा अरे क्या बताऊँ, सुबह मेरी और हाथी भाई की हालत तो बिल्कुल देखने लायक थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, डोका भड़बड़ लो तो मतलब सिर घूमने लगा था। अरे भाई दया का फोन आया उसके बाद मैं दुकान से यहाँ सोसाइटी तक कैसे पहुँचाऊँ मेरा मन जानता है, पूरे रास्ते में टेंशन टेंशन टेंशन, इतना टेंशन हो गया था बता नहीं सकता। जाहिर है जाहिर है। और एक तरफ मैं और हाथी भाई लेडीज लोगों को झूठी हिम्मत दे रहे थे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से हम दोनों चिंतित थे। सही बात है, सबकी हालत खराब हो गई थी, पता है ऐसे में कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अच्छा हुआ पप्पू वहां पे तू नहीं था। मैं कमजोर दिल वाला नहीं हूँ सोडी। हाँ नहीं नहीं सोडी, पोपटलाल कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं। थैंक यू जेठालाल। अरे भाई इतने सालों से शादी नहीं हो रही है फिर भी अड़ी खम लगा पड़ा है अगला, पर कमजोर दिल वाला होता तो अब तक तो टूट के भावा बन गया होता। हाँ भाई तू शेर दिल है। भाई ये हंसने की बात नहीं, मैं कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि खुशी मिल गई, वरना अपनी भांजी को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर देता। हाँ भाई एक बात तो है कि भाई पोपटलाल आदर्श पति बने ना बने आदर्श मामा जरूर बन गया। ता सर बीच में ये आदर्श पति कहाँ से आ गया? अरे भाई मजाक कर रहे हैं यार। मजाक कर रहे, पता है आप कितने आदर्श पति है, करेले का जूस तो गमले में डाल देते हैं। पोपटलाल इसमें गमला करेला और कहाँ से बीच में आ गया भाई? उसी तरह जिस तरह से बीच में आदर्श पति आया था। अरे भाई देखिए हम लोग विषय से भटक रहे हैं। तो भाई बात खुशी और उसके आदर्श मामा की चल रही है तो उनकी बात कीजिए। हाँ तो उसी की बात करते हैं। भाई जेठालाल एक बात तो है, खुशी के माँ बाप जब भी आएंगे ना तो ऐसा रेडीमेड कुंवारा छाते वाला मामा का ही नहीं मिलेगा, इसको साथ लेके जाएंगे। अच्छा क्या कुछ भी बोल रहे, मुझे क्यों साथ में लेके जाएंगे? अरे भाई डरो मत, तुम्हें कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है? मेरा मतलब है भाई खुशी के माँ बाप आएंगे तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे ना, ये तो अभी तो उनका ही कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ मेहता साहब, वो आप अपने वो वकील मित्र से मिलने वाले थे। हाँ मैं मिल के आया ना। हाँ सारी बात करके आ गया। अच्छा हाँ। ये वकील मित्र क्या मामला है जेठालाल? हाँ। अरे भाई वो हम लोगों ने तय किया था ना कि कुछ दिन हम लोग खुशी के माँ बाप का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी इतने दिन हो गए उनका कोई अता पता नहीं है, तो मुझे दया को मेहता साहब को और पोपटलाल को हम सबको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी खुशी को गोद लेने के बारे में थोड़ा सीरियस होकर अभी सोचना चाहिए। तो भाई उसी सिलसिले में मैंने कहा जेठालाल को कि भाई ये गोद लेने की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने एक वकील दोस्त से सलाह ले लेता हूँ, तो बस इसीलिए मैं वकील के पास गया था। तो जेठा मैं सारी बात करके आया। अच्छा। हाँ, और उसने मुझे सारे नियम कायदे कानून समझा दिए कि भाई क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। हाँ। और उसके लिए कुछ लीगल फॉर्म्स है वो भी मैं साथ लेके आ गया। अरे वाह क्या बात है, वाह जेठा वाह, वाह यार वाह, शाबाश। इसी बात पे मेरी तरफ से डबल सोडा। एक मिनट जेठालाल खुशी को गोद लेने का विचार अप्रतिम है, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसे शर्त? जेठालाल खुशी को भले ही तुम गोद ले लो, लेकिन मैंने पहले से तय करके रखा है कि खुशी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी और खर्चा मैं करूंगा। ओहो ओहो ग्रेट आत्माराम ग्रेट, ठीक है मंजूर है भाई। हम सब लोग खुशी को बहुत पढ़ाएंगे और साइंटिस्ट बनाएंगे। नहीं नहीं अय्यर भाई, मैंने पहले से तय कर रखा है खुशी तो डॉक्टर ही बनेगी। अरे ऐसे कैसे भाई, साइंटिस्ट और डॉक्टर ही क्यों भाई, खुशी पत्रकार बनेगी। आखिर पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। अरे भाइयों खुशी साइंटिस्ट बने डॉक्टर बने या पत्रकार बने ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? अरे भाई वो बड़ी होकर खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। सही बात बिल्कुल। पर एक बात तय है,
जब भी उसकी शादी होगी उसका कन्यादान मैं ही करूंगा। ओहो, अरे अरे बस भाई बस जेठालाल, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? खुशी अभी कुछ ही महीनों की और आप लोग उसकी शादी तक पहुंच गए। अभी हमारी पहली प्राथमिकता खुशी को गोद लेना, अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि खुशी को गोद लेने की कार्रवाई कितनी जल्दी कैसे शुरू की जाए। हाँ तो फिर कल साथ में मिलके सब समझ लेते हैं और फिर गोद लेने की कार्यवाही शुरू करते हैं। चलो भाई इसी बात पे अभी आज की सभा समाप्त करते हैं। क्यों आज जल्दी सोना है इतना? अरे जड़बड़ा, सोने जाना है या हमारी प्यारी खुशी को लोरी गा के सुलाने जाना है? अरे हाँ जेठल, मुझे भी पता चला भाई आजकल तुम खुशी को रोज लोरी गा के सुला रहे हो। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, एक बार मैंने कोशिश की थी लोरी गाने की, लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं की। क्यों? वो सोई ही नहीं। और वैसे भी लोरी तो एक माँ के मुँह से ही अच्छी लगती है ना। मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। बेटी मैंने फैसला कर लिया है, कल मैं ये पूरा सिलसिला खत्म कर दूंगी। मैं आ रही हूं कल गोकुल धाम में आखिरी बार। अरे क्या कर रही है खुशी? दिख रही सो रही है, हंस रही है खुशी। नीनी नी यार, ये नीनी है? क्या हुआ दया, कोई टेंशन है? वो टप्पू के पापा, आज दोपहर को जो हुआ मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। भूल जा उस बात को दया, हो जाती है गलतफहमी कभी कभी। जो कुछ हुआ उसमें ना तेरा कसूर था ना सोनू का। नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि आज दोपहर को सिर्फ 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी क्या हालत हो गई थी, कैसे कैसे ख्याल आने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचिए अगर 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी ऐसी हालत हो गई, तो खुशी के बगैर उसकी असली मम्मी की कैसी हालत हो रही होगी। वो बेचारी ये दुख कैसे सह रही होगी। वो तो है दया, पर क्या करे, खुशी के माँ बाप को लेकर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चलता तब तक आप खुशी के पापा और मैं खुशी की मम्मी। अरे वाह जेठिया, आजकल रोज सुबह जल्दी उठने लगा है, बात क्या है? अभी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दया सुबह जल्दी उठ जाती है, टप्पू जल्दी उठ जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी लगे हाथ जल्दी उठने लगूं। अरे वाह दया, खुशी कहाँ है? देखा बापूजी, टप्पू के पापा हमारी वजह से जल्दी नहीं उठ रहे हैं, खुशी के साथ खेलने के लिए जल्दी उठ रहे हैं।
ये एकदम बराबर कहा बहू तूने, क्यों जेठिया? हाँ बात तो वैसे सही है बापूजी, पर तूने बताया नहीं खुशी है कहाँ? टप्पू के कमरे में टप्पू के साथ खेल रही है। अब आप चाय पीजिए, तब तक मैं उसे लेकर आती हूँ। ले क्या ले क्या ले। टप्पू, टप्पू। वैसे ये खुशी बहुत प्यारी है नहीं बापूजी? उसको देख के हमारे चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है नहीं? हाँ वो तो है, जब से खुशी सोसाइटी में आई है पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी की लहर छा गई है। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great ball. आ गई मेरी गुड़िया रानी, आ गई मेरी गुड़िया रानी मेरे पास आ गई। अभी आपका चेहरा देख लिया है तो मुझे पक्का यकीन है आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। कौन सी मीटिंग है क्या? ओ सिन्हा बिल्डर वाले सिन्हा साहब के साथ मीटिंग है बापू जी। कितने बजे है मीटिंग? 10 बजे बापू जी। अरे जेठिया 9:30 तो हो गए, कब पहुंचेगा? ओहो 9:30 बज गए। अरे बेटा आजकल तो आपके साथ शांति से बैठ के खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ तो बापूजी, दया, टप्पू भैया सबका ख्याल रखना। हाँ बोल रही है। चलो बाय बाय। बाय बाय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बापू जी चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा बहू मैं भी सैर करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँ। खुशी के लिए बाहर से कुछ लाना है? नहीं बापू जी, अभी सुबह पोपट भाई खुशी का सारा सामान देकर गए हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मैं क्लब हाउस में खेलने जा रहा हूँ। दादाजी। रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है और असलियत सामने आने को बेताब। एक औरत जो इतने दिनों से खुशी के आसपास घूम रही थी, उसने ये फैसला कर लिया है कि वो आखिरी बार गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी। आखिर क्या मतलब है इस बात का? क्या वो सचमुच खुशी की माँ है और खुशी को लेके जाने वाली है? अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए ये खुशी की माँ है तो वो दंपत्ति कौन है जो जेठालाल की दुकान के बाहर से छुप छुप के देख रहे थे? अब यहाँ आके आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे, मैं भी चक्कर में पड़ चुका हूँ कि अगर ये खुशी की माँ है तो वो दंपत्ति कौन है? भाई इन सब सवालों के जवाब आप अपने रोमांच को थाम के रखिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बड़े होके चांद पे जाना है, दिखा बहुत पढ़ना लिखना है। बहन जी। आई आई है। आप कौन? जी वो अगरबत्ती, अगरबत्ती बेचने आई हूँ। वो हमारे घर पर अगरबत्ती है तो माफ कीजिए, नहीं चाहिए। आप खरीदिए मत, आप एक बार देख तो लीजिए। ये अमूल्य चीज खो गई थी, अब तब आए थे, वही है ना?
हाँ वही। तो उस दिन आप कहाँ चले गए थे? वो चोर चोर की आवाजें आ रही थी, एकदम भागा दौड़ी मच गई थी। अब खैर वो सब छोड़िए ना, आप ये अगरबत्ती देखिए, ये चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती, और ये इसे आप जलाएंगे तो मोगरे की खुशबू आएगी, और इसे आप जलाएंगी तो ऐसा लगेगा कि घर में 10-15 गुलाब के पौधे लगाए हों। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अगरबत्ती बेचते हैं, मतलब आप अच्छे घर के लगते हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने जो मजबूरी में मुझसे करवाया वो किसी से नहीं करवाए। क्या? खैर आप कोई अगरबत्ती खरीदना चाहेंगे? ये चंदन की खुशबू वाले 2 पैकेट दे दीजिए। जी। और कितने रुपए? 1 पैकेट का 30 रुपए और 2 पैकेट के 50। अच्छा, थैंक यू, मैं पैसे लेकर आती हूँ। आप पैसे लेके आए, तब तक क्या मैं आपकी बच्ची के साथ खेल लूं? हाँ हाँ खेलिए। ये लीजिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हाँ, खुशी के साथ खेलने के लिए तो हमारे पूरे सोसाइटी वालों की लाइन लग जाती है। वैसे उस दिन भी आपके पास आकर खुशी एकदम खेल खिलाकर हंस रही थी, और आज भी आपके साथ ऐसे खेल रही थी ना जैसे आपके साथ कोई गहरा रिश्ता हो। गहरा रिश्ता तो है, मेरा मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलो तो एक रिश्ता हो ही जाता है। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। नहीं, फिर भी आपके साथ खुशी ऐसे खेल रही थी जैसे 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 आप ही इसकी माँ है। क्या हुआ, आप कुछ बोले नहीं, अब ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपकी इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ, खुशी बहुत प्यारी है। खुशी, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है। तो? वो शिव जी के मंदिर के पास से मिली, इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं खुशी को यहाँ हमारे घर पर लेकर आई। पता नहीं इतनी प्यारी परी जैसी बेटी को बेसहारा छोड़कर कौन चला गया। आपने अभी अभी कहा ना कि ये आपको शिव मंदिर के पास मिली थी, इसका मतलब छोड़ने वाले ने इसे भोलेनाथ के सहारे छोड़ा था, और उनसे बड़ा सहारा और कोई नहीं। फिर भी इतनी छोटी बच्ची को ऐसे अकेले छोड़ देना। जिसने भी इसे छोड़ा उसकी जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, बिना मजबूरी के कोई ऐसा नहीं करता। वैसे हम खुशी के मम्मी पापा को ढूंढ ही रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से इस बच्ची के माँ बाप इसे लेने नहीं आए, तब आप क्या करेंगी? तो मैं खुशी को भगवान का आशीर्वाद समझकर मेरे पास रख लूंगी।
माँ बनकर खुशी की परवरिश करूंगी, ढेर चला प्यार करूंगी दीका, दुनिया का सारा सुख सारी खुशियां तुम्हें दूंगी। हाँ चिकू, आप इसे जितना प्यार से रखती हैं उतना तो शायद इसकी सगी माँ भी नहीं रख पाती। मुझे तो लगता है कि आप ही के साथ ये सबसे ज्यादा खुश रहेगी, बाकी तो आगे भगवान की मर्जी। ठीक है तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि सोसाइटी में और कौन कौन अगरबत्ती खरीदता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सारी अगरबत्तियाँ बिक जाएगी। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपना सामान यहाँ रख जाऊँ, जाते वक्त लेती हुई जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, यहाँ रख दीजिए, पर याद से लेके जाना। और हाँ, आप वापस जाएंगे ना तो यहाँ चाय नाश्ता करके जाना, उस बहाने आपको खुशी के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। जरूर बहन। देखो आपने मुझे बहन कहा है, मतलब आप खुशी के मासी हुए और मासी तो माँ के बराबर होते हैं, तो आपको यहाँ खुशी के साथ खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सॉरी, बहुत पढ़ना है। दया भाभी। हाँ, क्या हुआ अब्दुल भाई? वो खुशी के माँ बाप आए हैं। खुशी के मम्मी पापा? हाँ। कहाँ है? नीचे है, दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं, उनको ऊपर लेके आऊं? दया भाभी उनको लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है। दया थैंक यू सो मच जेठालाल भाई, आप जैसा कोटेशन मार्केट में कोई नहीं दे सकता। थैंक यू, तो मैं निकलू? जी जी बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोलते हैं। खुशी के मम्मी पापा आए हैं। क्या बात कर रही है? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर टप्पू के पापा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? अब जल्दी से घर पर आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ, तू चिंता मत कर, तू एक काम कर। है? तो खुशी के मम्मी पापा को जरा चाय पानी पिला, तब तक मैं पहुँच जाऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ? मेरे आने से पहले उनको खुशी को ले जाने मत देना, ठीक है? हाँ। हाँ जेठालाल बोलो। मैं तो साहब खुशी का माँ बाप आया सोसाइटी में। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ तो मैं भी सोसाइटी जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो आपको जाते जाते लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ और मैं तुम्हें बाहर सड़क पे ही मिलता हूँ, ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, फिर हम सोसाइटी चलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, एक काम कर, तू माधवी भाभी को लेकर अभी कभी मेरे घर पे पहुँच। क्यों क्या हुआ? अरे दया का भी फोन आया था, वो खुशी के माँ बाप आए हैं। क्या? और दया घर पे अकेली है। हाँ तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी पहुँचते। मैं भी वैसे पहुँच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ ओके थैंक यू। अरे माधवी। हाँ यहाँ यहाँ इस दीका, तू चली जाएगी मुझे छोड़ के? मुझे तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आइए 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 आइए, ये है खुशी के माँ बाप। मेरे बच्चे मेरे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे मेरे बच्चे मिल गए। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, कहाँ चली गई थी? ना 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 बेटा, देखो पापा आ गए, अब रोना नहीं है बेटा। मेरे बच्चे तुझे किसकी बुरी नजर लग गई थी? हाँ अब्दुल आ गए। देखो बेटा पापा आ गए ना। अच्छा ये नमस्ते। आप लोगों ने हमारी बच्ची को बचाया, उसकी इतने अच्छे से देखभाल की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो कौन है ये लोग? चाचा जी
ये खुशी के माँ बाप है। खुशी के माता पिता, नमस्ते। नमस्ते। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपने हमारी बेटी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम पूरी जिंदगी आपके कर्जदार रहेंगे। अरे आप लोग तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों ने तो जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए बैठे बैठे। आ बैठाओ, बैठो 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 बैठो। ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? हाँ, आपकी बच्ची मंदिर में कैसे पहुंची? जी, हमारी बच्ची को हमारी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से अगवा कर लिया था। अगवा करने वाले ने हमें 25 लाख रुपए लेकर मंदिर बुलाया था, लेकिन पुलिस के डर से आखिरी मौके पर वो हमारी फूल सी बच्ची को छोड़कर भाग गया। जब हम पैसे लेकर मंदिर पहुंचे तो उससे पहले ही आप लोग बच्ची को लेकर जा चुके थे। मतलब हमारा अंदाजा सही निकला, खुशी को अगवा कर लिया था। लेकिन किसने अगवा किया था, कुछ पता चला? जी, कैसे बताएं, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। यकीन ही नहीं होता कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है। क्या? अरे राम, आई मानस असतत ना, फिर आपने पुलिस पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने हमें फोन पे धमकी दी थी कि अगर बच्ची की सलामती चाहते हो तो किसी को कुछ भी मत बताना। हम लोग डर गए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई बाहरी नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है, तो फिर हमने सोचा कि इस बात को पुलिस तक ले जाकर क्यों खींचे। परिवार की बात है, परिवार में ही रहे तो ज्यादा अच्छी, और ना इससे खानदान की बदनामी होगी, बस इसी वजह से। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बच्ची यहाँ है? किडनैपर से जब हमने पूछताछ की तो उसने मंदिर के बारे में बताया जहाँ पर उसने बच्ची को छोड़ा था, और जब मंदिर में जाकर पूछताछ की तो आपके नोटिस के बारे में पता चला, और उस नोटिस की मदद से हम आप तक पहुंचे। मतलब नोटिस की वजह से खुशी के बाप को नोटिस हुआ कि खुशी यहाँ पे है। एक बात कहूं, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इतना लगाव हो गया है ना इससे। खुशी, और दया भाभी ने इसका नाम रखा है खुशी। खुशी, खुशी बहुत प्यारा नाम। हाँ, खुशी का ख्याल पूरे गोकुलधाम सोसाइटी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। देखिए, तो ईश्वर का करिश्मा है कि हमें हमारी बेटी आप जैसे भले लोगों के पास मिली। सच में आज से ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। मैं घर पर फोन कर देता हूँ, वो क्या है ना कि सब चिंता कर रहे होंगे। बाबूजी। हाँ बाबूजी, बच्ची मिल गई, सुरक्षित है, सही सलामत है। जी, यहीं पर है, गोकुलधाम सोसाइटी में। बाबूजी, भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ सही सलामत है, बड़े भले लोग हैं ये लोग, बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। बाबूजी, माँ, दादाजी और दादी जी सबको बता दीजिए हम बच्ची को लेकर आ रहे हैं। बाबूजी बड़े खुश हो गए ये खबर सुनके। कितना खुश हो रही है ना, घर जाना है। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। वो क्या है, जाने से पहले वो भी एक बार खुशी को मिल लेंगे। देखिए बहन जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमें सच में देर हो रही है। वैसे भी हमने हमारे घर में खबर कर दी है, माँ, बाबूजी, दादा, दादी और घर के सभी लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार इसे देख लेंगे तो उन सब की जान में जान आ जाएगी। बस इसी वजह से आप सब से आज्ञा चाहते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाएंगे, ज्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट। अरे, आप ही की तो बेटी है, आप जब कहेंगे हम इसे लेकर यहाँ आ जाएंगे। और जी, वो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है,
इस कार्ड में मेरा फोन नंबर और एड्रेस भी है। हम मीरा रोड में रहते हैं, आप जब चाहें बच्ची से मिलने आ सकते हैं हमारे घर। और चाहे तो पूरी सोसाइटी को लेकर हमसे मिलने आइए, लेकिन फिलहाल हमें हमारी बेटी को लेकर जाने दीजिए। हाँ दया भाभी, ये लोग ठीक कह रहे हैं, इनको जाने दीजिए। पर बस 10-15 मिनट ही, प्लीज। बहू जाने दे इनको, इन्हें देर हो रही। सोसाइटी वाले एक बार खुशी से मिल लेंगे, जाते जाते ज्यादा देर नहीं लगेगी। आओ फोन करो ना पटकर। हाँ मैं बताता हूँ। क्या मैं खुशी को एक बार मेरे हाथों में ले सकती हूँ? अरे 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 बाप रे, ये खुशी को कौन लेके जा रहा है? कौन है ये लोग? कहीं ये खुशी के असली माँ बाप तो नहीं? अरे साहब, अगर ये असली माँ बाप है तो फिर वो महिला कौन है जिसके साथ खुशी इतने प्यार से और इतनी देर से खेल रही थी? अरे ये कोई ये ऐसे वैसे लोग तो नहीं है? खुशी किसी गलत हाथ में तो नहीं चली जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे? खुशी की पूरी जिंदगी का सवाल है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ हम सबका आशीर्वाद है। लेकिन हम सबके दिलों में अभी उत्कंठा और उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर क्या होने वाला है। पता चलेगा आपको कल के एपिसोड में, जब हर रात से पर्दा उठेगा। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.